हाँ, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। हाँ, हम क्या बात कर रहे थे, RHS क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इसलिए हम x इज इक्वल टू जो -1 है, इस आंसर को हम रिजेक्ट कर देंगे, जबकि 1/6 पर LHS RHS बोथ पॉजिटिव रहेंगे, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा। तो समझ में, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टू आंसर आएंगे, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1/6। लेकिन दोनों में से हम केवल एक को ही लेकर चलेंगे, क्योंकि दूसरा उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है हमारे क्वेश्चन को। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? नो सर। फिर आगे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज के। इनकी वैल्यूज बताइए, क्या होंगी इनकी वैल्यूज? फर्स्ट की π/6। हाँ, सही है, 5/6। सर सेकंड का π/6। यस सर, सेकंड का भी π/6। दोनों इसमें इसी तरह के कॉस इनवर्स, अंदर कॉस को क्या लिख दिया, 2π - π/6। तो कॉस 2π - π/6 फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव ही होता है, 2π है, इसलिए 5/6 ही आएगा, कॉस ही आएगा, कॉस इनवर्स कॉस चला जाएगा, देयर फॉर 5/6 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में ये पाई के ज्यादा पास है, सो टेन को 10π+π/6 लिख सकते हैं, 10π+θ। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 10θ ही होता है, 10π/6 आ जाएगा, 10 इनवर्स 10 चले जाएंगे, 5/6 बचेगा, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये प्रूव करना है आपको,
हो गया सर। हो गया प्रूफ। यस सर। इसको पहले 10 में कन्वर्ट किया होगा। यस सर। हाँ, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो इसलिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे। इसको थीटा दे दिया, दिस इज 5, दिस इज 13, तो ये 12। तो वो वाला टर्म क्या लिख देंगे हम, 10 इनवर्स 5/12। सिमिलरली अभी दूसरा वाला जो टर्म है इसको भी कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए अलग ट्राइंगल बना देंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। हमें मालूम है ये बेस होता है, ये हाइपोटेनियस होता है, ये 3, ये 5 एंड दिस इज 4। तो ये क्या बन जाएगा, 10 में के टर्म में 10 इनवर्स 4/3। और इन दोनों में क्या हो रहा है, एडिशन, इनको सॉल्व कर देंगे 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई से, तो हमें LHS मिल जाएगा। इसी तरह सॉल्व किया है। अब यस सर। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो।